सबसे पहले आपको एक कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा और एक मेन हार्नेस वायरिंग और यहाँ पर एक अल्टरनेटर चेंज करना पड़ता है। यह है EFI से कन्वर्ट करके कार्बोरेटर में बदलने की। इससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियो का क्लिप दिखाया कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं काफ़ी टाइम से एक गाड़ी की फ्यूल मोटर के पीछे लगा पड़ा था और वो कुछ टाइम काम करती थी, उसके बाद वो दोबारा मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाती थी, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट थे हमारे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि इसे कार्बोरेटर में कन्वर्ट कर ही देते हैं, क्योंकि जितने का खाली फ्यूल पंप आ रहा था, जो फ्यूल मोटर होती है, 16,000 रुपये के आसपास पड़ रही थी, मतलब 15 से 16,000 रुपये के आसपास पड़ रही थी, और उतने में ही पूरा हमने कार्बोरेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ पार्ट है जो चेंज कर रहे हैं और कौन कौन से पार्ट हैं और कितना खर्चा आया, जरा डिटेल में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो जो फ्यूल पम्प की मोटर थी ख़राब हो गई थी, और ऐसा करने से थोड़ा पिकअप में डाउन आया है। मैं आपको पहले बता दूँ, जो 500 cc की पावर होती है, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आया है, ठीक है। अगर आप कहें कि भैया पावर उतनी रहेगी, तो इतना तो है नहीं, पावर डाउन हो चुकी है। देखिए, हमारे पास जो पुराना आइटम बच गया है, थ्रॉटल बॉडी बच गई है, फ्यूल पंप बच गया है, जो हमने निकाला है आइटम, ये फ्यूल पंप हो गया। अल्टरनेटर को निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो मैग्नेट होता है, और मैग्नेट के अंदर काफ़ी सारे ऊपर सेंसर के तौर पर काम आते हैं, जिसको वेट बोलते हैं। देखिए, काफ़ी सारे यहाँ पे वेट लगे रहते हैं, और ये एक सेंसर का काम करते हैं, और हमें जो हमारा ओरिजिनल 350 का होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रहता है। हार्नेस चेंज करनी पड़ती है मेन वायरिंग, क्योंकि 500 सीसी की अलग रहती है, और इसमें ये एक ECU बोलते हैं, इसको ECU बोल सकते हैं, या इसकी कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं, ये चेंज कर रखी है। अब गाड़ी में दिखाते हैं गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कार्बोरेटर चेंज कर रखा है, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई मेरे को, वह है पीछे का हॉस पाइप बनाने में। पीछे का एक हॉस पाइप बनाना था, तो मैंने ये दो रबड़ ली, और एक ये ओल्ड मॉडल की जो रबड़ आती है पुरानी वाली, उस रबड़ को लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको बीच में डाला, दोनों साइड में लगाई, और बिल्कुल परफेक्ट काम हो चुका है, बिल्कुल कहीं से नहीं हिल सकता ये। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फिटिंग है अच्छे से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है और जो मिसिंग की प्रॉब्लम है या नहीं है। अच्छा, एक दिक्कत और थी जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगी। हमारी जो 350 की यहाँ पर दो कॉइल होती हैं, इसके अंदर सिंगल होती है और दोनों में लीड जा रही होती है, तो इसका मेरे को एक सॉकेट बनाना पड़ा है अलग से, बाकी सब नॉर्मल काम कर रहा है, और आगे की साइड में सारी वायरिंग नॉर्मल रहती है, तो ये आगे की साइड में बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा था, और इधर साइड में जो फ्यूज की डिब्बी रहती है वो टूल बॉक्स के अंदर रहती है, और यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत वाला कोई काम था नहीं। अगर आपको अप्रोक्स 500 cc को 350 में कन्वर्ट करना है, तो कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, जो आज हमने इसमें चेंज किया है, और मेरे को जो इसमें खर्चा आया है 14 से 15 हज़ार रुपये के आसपास कम से कम खर्चा आया है, ठीक है। और एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, एक ये प्लेट आती है, ये 250 रुपये के आसपास मिल जाएगी आपको, और एक पेट्रोल टी है, 150-200 रुपये के अंदर आपको एक पेट्रोल टी मिल जाएगी, और ये लग के आपका फ्यूल पंप निकल जाएगा, ये काम करने लगता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और अब मैं एक बार आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं। तो यही था, मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कन्वर्ट कराना है 500 cc को 350 cc में, तो आपको 14 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे।